क्लीं कालिम चामुंडा नमः भूतिया शक्ति तुम क्या हो गया तुम्हें हाय राम किस भक्त ने बुलाया तू तो मेरा प्रसाद है चंद्रभान को कोई औरत कभी मना नहीं कर सकती आज रात मैंने इस औरत के साथ पूरी रात बिता ली तो उसके बाद मैं इसके पति के शरीर में हमेशा के लिए रुक जाऊंगा बाजीगर तेरे साथ रोज रंग रलिया मनाऊंगा चंद्रभान चल चल चंद्रभान चल सन्यासी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर दोस्तों आज रंजना पे मैं करने वाला हूँ कि मैं इस नए घर में काली भूतिया शक्तियों का आवाहन कर रहा हूँ तो देखते हैं उसको कैसा डर लगता है कि नहीं लगता तो आई होप ये कहने का मतलब ये घोस्ट प्रैंक होने वाला है एक तरीके से तो देखो वीडियो को फुल वॉच करना वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना फेसबुक पेज का तो फॉलो जरूर करना मिलते हैं वीडियो के एंड में बुलाते हैं रंजना को कैसे बुलाऊंगा जरूर देखना A few moments later. Lakshmi Ranjan. Hey, मेरी शक्तियों को बढ़ा दे. काली शक्तियों को बढ़ाकर सबसे पहले अपनी बीवी को बस में करूंगा मैं. आई नहीं दी दोस्तों क्या करूं कैसे बुलाऊं मुझे पता था इसकी नींद खुलेगी नहीं इसलिए एक गिलास फेंकूंगा तब आग आएगी ओम क्रीम काली चामुंडाय नमः ओम क्रीम ओम क्रीम काली माता चामुंडाय नमः ओम क्रीम चामुंडाय क्या कर रहे हो यार तू इसको अशुद्ध मत कर देना इसमें चूहे का मीट है बैठ जा इधर मेरे साथ पूजा अर्चना कर पूजा अर्चना नहीं काली शक्तियों का बुलावा कर रहा हूँ मैं हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जो भी मेरे रोड़े में आएगा मैं उसको अपनी काली शक्तियों छोड़ दूंगा मैं भूतिया शक्तियों का आवाहन कर रहा हूँ किताब लेकर आया था मैं किताब लेकर आया था मैं तो डर गई आधी रात में ये सब क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो पता नहीं ये क्या बना रखा है तुमने बुढ़िया टेकी अभी ये तो अपने किसी दुश्मन को मारने के लिए होती है ना ये नहीं ये वो वाली पूजा नहीं है पूजा नहीं है है तो ये आटे की गुड़िया पर इसमें एक मंत्र फूकने के बाद मैं जिसकी बलि दे रहा हूँ उसकी जान इसमें आ जाएगी फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको फिर इसकी बलि दूंगा नहीं तुम आत्मा बुला रहे हो ओम ग्रीम ग्रीम मैं आत्मा बुला रहा हूँ रंजनाय नमः हाँ नहीं मेरे लिए तेरे नाम की नहीं है तेरे नाम की नहीं है रंजनाय नमः बोला तेरी उंगली का कटा खून इस पे जैसी लगेगा इसलिए तेरा बहन डर गई बहन डर गई मेरी अगर पूजा खराब हुई आधी रात में चिल्लाए मत अगल बगल किसी बा को ही आया ना मेरी उंगली काटूंगा अपने घर जाना है मुंह में जाओ फाड़े तेरे मुंह में पूरी एक जल्दी से चल जल्दी से ये सब अच्छी चीजें नहीं होती हैं ये सब अच्छी चीजें नहीं होती इसका नुकसान सबसे पहले तो तेरे लिए ही कर रहा हूँ मैं उपाय मेरे शरीर में मेरे अंदर जब भूतिया शक्ति समा जाएंगी ना तो सबसे पहले तो तू मेरे अंडर में रहेगी ना तुम्हारे अंडर में ही हूँ अंडर में ही तो हूँ तुम्हारे में तू तो मेरा अंडर वियर नहीं धोती तू मेरे कहाँ से अंडर में है चलिए जला मैं नहीं जला और इसमें लगा एक अगरबत्ती अपने नाम की ऐसे भूत, जल्दी भूत भूत बुलाने वाला है ये सब अच्छी
चीजें नहीं होती है। तूने कहा ना मुझे अपनी उंगली नहीं कटवानी है, इसीलिए तू अगरबत्ती इसमें जलाएगी तो तेरी वजह से वो जो जिसकी बलि दे रहा हूँ उसकी जान इसमें आएगी, चल जा क्योंकि वो भी एक लड़की है। चल जल्दी, किसी लड़की की बलि दे रहे हो तो जल्दी, किसी लड़की की बलि दे रहे हो जल्दी। इसके पेट में गाड़ दो, पेट में आग। रुको, अगरबत्ती नहीं लगानी आती, अगरबत्ती नहीं लगानी आती, इसके पेट में गाड़ दो। अगरबत्ती कैसे लगाएगी तो मतलब पेट में लग रही थी ना। हाँ हमारी आहुति को स्वीकार करो काली शक्तियां, पेट में लगा मेरे काम हो गया। चामुंडा नमः, भूतिया शक्ति मेरी भूतिया देवी की आहुति ग्रहण करो। क्या कर रहे हो? मैं क्या बताऊं? पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे अंदर, इतनी भूत होती है। नवीन उठो उठो, भगवान तो अंधेरा और धुआं और कर रखा है इतना घर में, भगवान इतना अंधेरा और धुआं और कर रखा है घर में, किसको बुलाऊं? नवीन उठो, नवीन उठो, नवीन उठो, पानी लाओ। किस भक्त ने बुलाया? क्या तूने बुलाया? नहीं पानी, तू भक्त ने नहीं बुलाया, तू तो मेरा प्रसाद है, तू तो मेरा प्रसाद है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना। ऐसे क्यों गंदे मुंह बना रहे, जिबली कर ले हो? मुझे लगता है मेरे जिस भक्त ने बुलाया वो यही है, मैं तो उसके ऊपर आ गया। थूक क्यों रहे ये क्या है? इसका मतलब क्या है? अच्छा इसका मतलब क्या है? मुझे भूख तो मिटाने दे। पनिया मुझे सही नहीं लग रही है, कैसे कर रहे हो? पगला बोल रहे हो क्या? चंद्र भान को कोई औरत कभी मना नहीं कर सकती। अरे जाने वक्त तुम चुपचाप रहो, बहुत खराब औरत हूँ भाई, ध्यान रखना ना। हाँ भगवान, तुम टिल्लो थी ना, हट जाओ। चल क्या लाल साड़ी पहन क्या जा, तुम्हारे अंदर ना लग रहा है कुछ और हो गया तुम्हारे अंदर। लाल साड़ी पहन क्या, उधर कहाँ जा रही है? इधर चल, मैंने कहा जरा चल इधर आ, बच के तो इस घर में तू कहीं भी नहीं जा पाएगी। लाल साड़ी पहन क्या, मुझे पता है तेरे वस्त्र उधर है। मेरे वस्त्र उधर, तुमको कैसे पता? बालों को पहले भांग के आना, बाल मैं खोलूंगा। आज शौक लगा है, शौक। सिंदूर मेरे नाम का लगा के आना, तब सिंदूर लगाओगी तो बोलना चंद्रभान के नाम का सिंदूर। नवीन क्या हो गया? नवीन को मुझे बहुत जन्मों की भूख है, बहुत हजारों सालों का भूखा हूँ। खालो वो रखी है गुड़िया तुम्हारे लिए। ये तो मेरे पे चढ़ गई बलि, अब जो मुझे भूख लगी है वो मुझे शरीर की भूख लगी है। ये क्या बात करता है यार? औरत के शरीर का भूखा हूँ। मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊँ भागी मत। कौन है भैया? तो मुझे आधुनिक काल की स्त्री पाकर तो मैं अपने आप को अद्भुत महसूस कर रहा हूँ। नवीन क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो आधुनिक काल की स्त्री तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नवीन आ जाओ, तुम क्या पागल डर लग रहा है मुझे यार, दिमाग खराब है कि तुम्हारे मुझे डर लग रहा है? क्या इस आधुनिक काल में तुम्हारे केस ऐसे ही होते हैं? पूरे
बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं ना 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 प्लीज, मुझे डर लगा, अच्छा नहीं लग रहा ना। चर्बी वाली चमड़ी, चर्बी वाला गोश्त। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। सुना कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? हाँ मोमबत्ती बुझ गए। देख लेना मैं माम बहुत जोर से मार देती हूँ। मैं बहुत मोमबत्ती बुझ गई है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मतलब सारी फूकने से चले फूकना। सबसे पहले मुझे लगता है तुझे ही बस में करना पड़ेगा। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इस औरत को चंद्रभान के बस में होना पड़ेगा, इस औरत को चंद्रभान के बस में होना पड़ेगा। अगर आज रात मैंने इस औरत के साथ पूरी रात बिता ली तो उसके बाद मैं इसके पति के शरीर में हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। इसके परीर इसके पति के शरीर की मैं हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। आजीवन तेरे साथ रोज रंग रलियां मनाऊंगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। बस बस लग गई, भूत को लग भी गई। अब आएगा मैं और जो मारूंगा मैं निकले ऐसे जो भी है ना। चल भाग यहां से। नवीन यार प्लीज आओ नवीन। लॉक तो लगता ही नहीं है इस गेट में, इस गेट में लॉक लगता ही नहीं है, तो लगता ही नहीं। मेरे नवीन के शरीर से चला जाओ, मेरे नवीन के शरीर में हमेशा जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है बहुत बहुत चंद्रमान, मैं चंद्रमान तेरे पति के शरीर में पूरी जिंदगी बनाऊंगा, तेरे साथ हर रात गुलचर्रे उड़ाऊंगा। ऐसे जहां पर पड़ेगा ना मुंह टेढ़ा हो जाए। फिर पति को छोड़ दे, पता नहीं तो पति को छोड़ दे तो तू मुझे लपक ले, तू मुझे लपक ले, तू मुझे लपक ले ना। मस्त जोक मारा रे। तू मुझे मारे मत, मारने से तो मुझे हटा। हाँ बुझा ले 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 जा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया जा। अब तो जाने वाला है यहाँ से। नहीं जाने वाला, मैंने तुझे तेरी बाहों में, तुझे मैंने अपनी बाहों में लेके हक कर लिया ना, तो बस मुझे अब शक्ति मिल गई है। कहाँ से शक्ति मिल गई? मेरे नवन में छोटे बताओ कितने बॉल तोड़ूं। कहाँ जाएगी? बच गए, किसी में अभी लॉक नहीं लगा है, कहाँ जाएगी? लॉक नहीं लगा, लॉक नहीं लगा पाएगी। डुगू की वजह से सब मैंने लॉक फ्री कर रखे है। चंद्रमान के पास आ, चंद्रमान के बच्चे, चंद्रमान की माँ की। इतना गंदा वाला ये सब जला। इतने घर में धुआं कर रखा है, आधी रात में तुम्हें चंद्रमान चंदू। चंद्रमान की पुच्ची कैसी लगी? काला मार दे तूने दो बार। मेरे को कितना खींचा तुमने, कितनी लग गई है मेरे। ये वाला सीन तो आ ही नहीं पाया कि चूहे का गोश्त चढ़ाऊंगा। चूहे का गोश्त लो, तुम ही खाओ चूहे का गोश्त। ये चूहे का गोश्त, ये डोगू का खिलौना। चलो दोस्तों, जाते जाते प्रैंक खाकर फेल हो गया, कोई बात नहीं, पर फिर भी मजा आपको बहुत आया होगा। ठीक है ना फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में। बाय बाय। वीडियो को दबा के लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चल बना सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक वालों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके बाय बाय। चल चंद्रमान, चल चल चंद्रमा, चल सन्यासी मंदिर में।
चलो 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 चलो।